बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनने वाले हैं अंडे और साग की रेसिपी, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं हाक्ट ठोल। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अंडों को बॉईल किया है। अब हम इनको फोक से छोटे छोटे छेद करेंगे, इससे अंदर तक टेस्ट जाता है। अब हम इन पर हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडू को फ्राई करेंगे। हमें इनको चारों साइड से फ्राई करना है। ये देखिए अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे एक एक करके आहिस्ता से। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल बहुत ही ज़्यादा लिया था। अब हम थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकालेंगे और इसी में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून। पहले हमें तेल को थोड़ा सा ठंडा करना है और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एग्स यानी अंडे, फिर से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है साग यानी कोलार्ड ग्रीन्स। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है। अब हम एक भगोना लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पहले लहसुन, हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 to 2 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से डालना कम या ज़्यादा। नमक 1 टेबल स्पून, ये भी आप अपने हिसाब से डालना। ये बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें साग डालेंगे। साग को हमेशा बॉईल किया हुआ पानी में डालना चाहिए, वरना ये हार्ड हो जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। ये फिर से बॉईल हो रहा है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। साग 70% तक कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे और प्याज डालेंगे। फिर से मिक्स करेंगे। और पकने के लिए रहने देंगे। यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं और नई किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।